खबर है कि अब जो है जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी बसेस में गाड़ियों में जिसमें बच्चों का आवागमन होता है उसमें कैमरे लगाए जाएंगे, लाइव रिकॉर्डिंग भी रखनी पड़ेगी। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। हनुमानगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, पंचायत समिति संगरिया की बैठक में विवाद हुआ है। संगरिया विधायक गुरदीप शाहपेनी और तहसीलदार में तू तड़ाक हुई है, दोनों में हाथापाई तक की नौबत पहुंच गई। बैठक में अन्य सदस्यों ने भी बीच बचाव किया। फसल खराबे की स्पेशल गिरदावरी को लेकर यह विवाद हुआ। विधायक गुरदीप शाहपेनी जो है वो कर रहे थे स्पेशल गिरदावरी की मांग, बरसात ओलावृष्टि और आंधी से फसल खराब हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, पंचायत समिति संगरिया की ये बैठक थी, विवाद हो गया, विधायक गुरदीप शाहपेनी और तहसीलदार में तू तड़ाक हो गई। जुगल स्वामी स्थानीय संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। जुगल, आखिर नौबत क्यों आए कि विधायक और तहसीलदार आपस में भिड़ गए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर निकलकर सामने आई? आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की गिरदावरी के बारे में चर्चा हो रही थी, तो तहसीलदार विश्व प्रताप व विधायक गुरदीप शाहपेनी में इस मामले को लेकर विवाद हो गया। विवाद में जब विधायक ने तहसीलदार को बात जाने को कहा तो उल्टा तहसीलदार ने विधायक को बात जाने को बोला। इस पर तकरार बढ़ गई तो बात हाथापाई तक जा पहुंची, अगर SDM रमेश देव बीच में नहीं आते। विधायक ने बाद में प्रेस वार्ता कर सोमवार को SDM कार्यालय आगे धरना प्रदर्शन करने व तहसीलदार को एक्यू करने की भी मांग की है। ये किस प्रकार की स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहे थे, जरा ये भी बताएं। जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे नाथवाड़ा रोई यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी उसमें किसानों को लगभग 100% फसल खराबा हो गया जी। इसी बात को लेकर वो स्पेशल गिरदावरी की मांग विधायक गुरदीप साहिबपेन जी कर रहे थे और वो बात तहसीलदार समझ नहीं पा रहे थे, तो इसी बात को लेकर उनके आपस में तूतू-मामा हो गई। तो ये जो बात उन्होंने स्पेशल गिरदावरी की कराई तो किस बात से तहसीलदार को एतराज़ हुआ? और ये समझने वाली बात है कि इस बैठक में चूंकि एक जनप्रतिनिधि और एक जो है सरकारी कर्मचारी, इनके बीच में अगर यहाँ तक नौबत आती जाहिर तौर पर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ी होगी। अब ऐसे में क्या सिचुएशन वहाँ पर रही और किस तरीके से इसको काबू किया गया, ये भी ज़रा बताएं। और क्यों आखिर स्पेशल गिरदावरी को लेकर जो है यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ और तहसीलदार ने मना क्यों किया? क्या उन्होंने मना किया था कि वो नहीं कराएंगे गिरदावरी, इसकी वजह से नाराजगी यहाँ पर विधायक की देखने को मिली? जी, विधायक गुरदीप शाहपेनी वो क्या लगातार इस मामले में कल वो फील्ड में गए थे और वहाँ किसानों से मिले थे, उसी के आधार पर ये तहसीलदार को समझा रहे थे कि यहाँ पर 100% खराबा हुआ है। हाँ, जबकि वो तहसीलदार उस बात को समझ नहीं पा रहे थे, वो हर बात अपने तर्क के आधार पर विधायक जी उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी बात को लेकर वो पता नहीं क्या बात हुई थी कि उसमें जो तहसीलदार जी हैं उस बात को समझ नहीं पा रहे थे या वो समझना नहीं चाह रहे थे। हम भी वहाँ मौके पर मौजूद थे तो इसी बात को लेकर के बात बढ़ी। बीच में रमेश देव ने SDM ने समझाने का भी प्रयास किया लेकिन वो बात तहसीलदार ने SDM रमेश देव की भी नहीं समझी और इसी बात को लेकर जब नहीं समझी तो उन्होंने विधायक जी ने ये कहा। तो मतलब इसकी संभावना यहाँ पर जुगल ज्यादा लग रही है कि विधायक जी जो समझाना चाह रहे थे वो तहसीलदार समझना चाह ही नहीं रहे थे, नहीं तो समझ सकते नहीं रहे थे शायद, इसीलिए यहाँ तक नौबत आई कि विधायक को जो है इस तरीके से यहाँ पर नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। और जो वहाँ पर SDM थे, चूंकि एक तहसील का मालिक होता है SDM, अब SDM की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की चीज़ें उनके तहसील परिसर में ना हो या उनके तहसीलदार से संबंधित ऐसी चीज़ें ना हो, अब ऐसे में SDM का क्या रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर? SDM रमेश देव से हमने बात की, उनका तो जब उनका झगड़ा बढ़ रहा था रमेश देव ने काफी कोशिशें की भी, उन्होंने समझाने का प्रयास किया मामले को, वो खुद समझाने का प्रयास भी कर रहे थे लेकिन वो घटना ऐसी बढ़ती गई तो वो सब पक्ष समझ ही नहीं पाए। अब बाद में SDM ने ये कहा भी हम मामले को दोनों पक्षों को बिठाकर वो विवाद को सुलटाने का प्रयास करेंगे। तो ये पंचायत समिति संगरिया में क्या इस प्रकार का ये पहला मामला है? इससे पहले भी ये तहसीलदार साहब की कभी जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ नोकझोंक इत्यादि हुई है, और क्या ये भी माना जाए कि ये जो विधायक हैं और जो तहसीलदार इनके बीच में पहले भी कुछ किन्हीं बात को लेकर मनभेद मतभेद इत्यादि देखा गया? नहीं सर, ऐसी पहले कोई मामला नहीं हुआ, ना ही SDM और जो तहसीलदार और जो विधायक है इनका आपस में कोई इस तरह के कोई मामला था कि जो कहानी आज बने। ये उसी फसल ओलावृष्टि से मामले को नुकसान को लेकर ही ये बात चल रही थी। ठीक है, मतलब ये मांग हो रही थी कि भाई स्पेशल गिरदावरी कराइए क्योंकि 100% तक की फसल खराब हुई है, उसी को लेकर वहां पर बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते क्या हाथापाई भी हुई है यहाँ पर? हाथापाई हुई है जुगल यहाँ पर?
नहीं, हाथापाई की नौबत नहीं आई, बीच में SDM रमेश देव ने आके बीच बचाव कर दिया, बात हाथापाई तक नहीं पहुंची। तो अब विधायक का अगला मूव क्या रहने वाला है, विधायक यहाँ के क्या कह रहे हैं, किसके बाद क्या कार्रवाई की वो मांग करेंगे, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, और जो गिरदावरी की मांग कर रहे थे माननीय विधायक, वो गिरदावरी होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? बाद में विधायक गुरदीप शाह पिने ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा भी तहसीलदार ने आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो तस्वीरें आई हैं उस दौरान वहाँ पर किस प्रकार तूतू मैमे हुई, एक बार जरा दर्शकों को दिखा देते। मुझे तो कास्ट ग्राम पता है कि कास्ट ग्राम नुकसान हो रहा है, मैं गया हूँ, आपने मुझे दिखा भी है। हम उनसे यही चर्चा कर रहे थे कि आप विशेष गिरदावरी के लिए देखें, ताकि किसानों का चाहे नरमे का नुकसान हुआ है, चाहे बाघों का हुआ है, चाहे कि डाली का नुकसान हुआ है, चाहे अन्य नुकसान हुआ है, तो विशेष गिरदावरी के अंदर वो सारा आ जाता है। अगर ये जो गिरदावरी कर रहे हैं जल्दबाजी में और जो नुकसान हुआ है उसकी ये परसेंटेज नहीं आएगी जो हमारे को उसका जो क्लेम मिलना है, आप उस 20-25% को 100% बता रहे हो, तो जब टोटल परसेंटेज निकलेगा तो उसका 20% से ज़्यादा परसेंटेज नहीं आएगा।